हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सेवक सिंह और आप देख रहे हो मिस्टर सेवक मैकेनिकल चैनल। आज की दोस्तों जो वीडियो है वो है 5 KVA का ट्रांसफार्मर जो कि स्टेबलाइजर का है और जिसे यूज करना है डीजे के लिए। जो डीजे म्यूजिक सिस्टम है उनके लिए ये बनाया जा रहा है। तो आज हम इसकी वायरिंग करेंगे कि कहाँ से शुरू करना है और कैसे यह पूरा बनाना है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम इसकी वायरिंग के लिए बॉबन लेंगे। वैसे तो ये पेपर में भी बन जाएगा, लेदर पेपर में, पर मैं बॉबन इसलिए लगाता हूँ क्योंकि इससे शॉर्ट होने का कोई ख़तरा नहीं रहता। जो ट्रांसफार्मर है कोर से वो शॉर्ट नहीं होता। और बाकी दूसरा यह है कि आपके पास अगर बॉबन है, चाहे आप अनजान आदमी हो, फिर भी आप यह बना सकते हो और बग़ैर मशीन के बना सकते हो, क्योंकि बॉबन का यही फ़ायदा रहेगा कि आप बग़ैर मशीन के यह बना सकते हो। इसके लिए ये 6 पीस होते हैं टोटल बॉबन के। ये है 8 नंबर, 3.5 इंच ये साइज है इसका। और जो 6 पीस है, इस 6 पीस को हम जोड़कर इस तरह से एक पूरा कंप्लीट बॉबन बना लेंगे। उसके बाद जो इसके कॉर्नर है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा आप रेती से गोल कर लो ताकि जब तार यहाँ पर आएगी तो उसका पॉल्च ना उतरे। थोड़ा गोल होगा तो जो आपकी वायर है, क्योंकि काफ़ी मोटा नंबर इसमें डालना है, तो वो एकदम बेंड नहीं होगा। एकदम अगर बेंड होगी तो आपकी जो तार का पॉल्च है वो उतर सकता है। तो उसके लिए एक ये लकड़ का टुकड़ा फर्मा जो कि हम इसके बीच लगाएंगे मशीन के लिए। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो भी आप बॉबन के जरिए 5 KVA, 10 KVA तक का ट्रांसफार्मर बना सकते हो। तो हमने अभी मशीन पर इसे फिट कर दिया है। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम एक लेदर पेपर लगाएंगे। अगर तो पेपर थोड़ा मोटा है तो एक लेयर बहुत है। अगर पेपर आपके पास ज़्यादा मोटा नहीं है तो उसकी 2 लेयर लगा दो या 3 लगा दो, क्योंकि इसका फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। पर 2 या 3 से ज़्यादा मत लगाओ, नहीं तो फिर जो आपका कॉयल का साइज है वो ज़्यादा मोटा हो सकता है। उसके बाद हम टेप लगा देंगे ताकि जो हमारा बॉबन है वो और मज़बूत हो सके और जो तार है इस पर वो अच्छी तरह से लग सके। तो इसमें जो हम तार लगाएंगे वो है 12 नंबर की, क्योंकि काफ़ी लोड रहता है इसमें, तो हम शुरू से लेकर आखिर तक 12 नंबर ही यूज करेंगे इसमें। तो जब आपने शुरू करना है, जो पहली तार आप रखोगे वो आप कोशिश करो कि दूसरे सिरे पर रखो, क्योंकि जैसे आपने जहाँ पर लूप निकालना है जहाँ से, तो जहाँ से ही बेंड मत करो। जैसे ये देखे मैं रख रहा हूँ दूसरे सिरे से, इस तरह से रखो। और जो स्लीव है आपकी वो थोड़ा सा जो बेंड है वायर का उसके ऊपर आ जाए, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती ट्रांसफार्मर में काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है, ख़राब हो सकता है। और उसके बाद फिर एक पेपर लगा दो, लेदर पेपर, क्योंकि जितनी सेफ्टी आप रखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। नहीं तो हो सकता है कि
कि कई बार देखा गया है कि थोड़ी सी लापरवाही से ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, बनाते बनाते ही खराब हो जाता है। तो जहाँ जहाँ भी तार का बेंड हो वहाँ पर पेपर वगैरह जरूर रख दो, क्योंकि ये थोड़ी सी वायर इधर को आ रही थी, लेयर पूरी तरह सही नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने नाइलॉन का एक टुकड़ा था उससे साइड में कर दिया, पूरा पैच बिठा दी उसकी। तो आप भी यह काम लकड़ से भी कर सकते हो या कोई प्लास्टिक का टुकड़ा हो उससे भी, क्योंकि तार काफ़ी मोटा नंबर है, 12 नंबर है। जब आपकी पूरी एक लेयर लग जाए उसके बाद वार्निश लगा दो, और यह डॉक्टर बेक का वार्निश है जो कि सबसे बढ़िया माना जाता है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो स्टेबलाइजर का काम करते हैं, वो बिल्कुल भी वार्निश नहीं दिखाते भी नहीं ट्रांसफार्मर को। ऐसा मत करो, क्योंकि इसके लगाने से आपके जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी इसमें कमियां रह जाती है जो वार्निश से पूरी हो सकती है, जैसे कि लेयर में थोड़ा सा गैप, कहीं पर तार ढीली या कहीं पर पाल छुतरा हुआ। तो अगर हम वार्निश लगा देंगे तो उससे ये सारी कमियां दूर हो जाती है। उसके बाद फिर एक पेपर लगाएंगे। जब तक आपका पूरा ट्रांसफार्मर नहीं बनता तब तक एक लेयर के बाद एक पेपर वार्निश, फिर लेयर, फिर वार्निश और पेपर, इसी तरह से आपने लगाते जाना है आखिर तक, क्योंकि इससे जो एक तो लेयर से लेयर सेपरेटर का काम करेगा ये पेपर, तो इसलिए हर लेयर के बाद वार्निश और पेपर लगाते जाओ। और यह दोस्तों, इसमें जो प्राइमरी के लिए हमने टर्न डाली है वो है 150, एक जो 150 इसमें हमने टर्न लगाई है प्राइमरी के लिए। उसके बाद हम जहाँ से लूप शुरू करेंगे, क्योंकि तार नंबर हमारा यही है, तो जहाँ से हम पहला लूप निकालेंगे उसके बाद 25 टर्न, उसके बाद फिर लूप, फिर 25 टर्न, इस तरह 7 बार 25 टर्न हम निकालेंगे, तो टोटल हमारे 8 लूप हो जाएंगे। टोटल हमारे 8 लूप हो जाएंगे, जहाँ से बॉबन आप आरी से भी काट सकते हो, जहाँ यह काम आप पहले भी कर सकते हो। पर एक बात का ख्याल रखना कि जब आरी चलाओ तो तार को टच ना हो, जो आपकी तार है उसे टच ना होए, ये वाली आपकी आरी है, क्योंकि नहीं तो तार खराब हो सकती है। हमने ये पहला लूप निकाल लिया है, आप डाटा नोट कर लें, प्राइमरी के लिए 150 टर्न, उसके बाद 25 25 25 7 बार 7 बार 25 टर्न। और ये देखें, जहाँ पर मैंने जब लूप इसका निकाला है, लूप निकालने के बाद मैंने फिर पहले नीचे उसके जो स्लीव है उसके नीचे पेपर दिया, उसके बाद फिर ऊपर लगाया, ताकि जहाँ पर ये पेपर फिर सेपरेटर का काम करे एक दूसरे तार को टच ना होने दे आपस में। तो जितनी आप सेफ्टी रखोगे इस काम में उतना ही बढ़िया है। ये कॉपर वायर है और इसका वेट 5 किलो के करीब जा चुका है, क्योंकि 12 नंबर 3.5 इंच बॉबन है, 8 नंबर कोर है, 8 नंबर कोर, 3.5 इंच जो इसका कोर का साइज है, और तार का वेट है 5 किलो के करीब, इतनी तार इसमें आती है 3.5 इंच में। तो अभी हमने ये पूरा कर लिया है, यह 8 निकल चुके हैं लूप। 8 इसलिए है क्योंकि एक 0 वाला भी है, एक कॉमन था जो सबसे पहले निकाला था, उसके बाद फिर एक लूप निकाला था जो
जहां पर मैंने आपको दिखाया था ग्राइंडर से काटकर, वो पहला लूप था। उसके बाद 7 लूप और 25-25 टर्न के निकाले गए हैं, तो इस तरह टोटल 8 हो गए। ट्रांसफार्म अब हमारा कंप्लीट है। अब ये आखिरी लेयर है, उस पर वार्निश लगाकर हम पेपर लगाएंगे, और पेपर के बाद इसके ऊपर जो आपने ऑटो कट के लिए लेयर लगानी है उसके लिए हम अलग से कुछ वेडिंग करेंगे, जो कि आप 26 नंबर भी ले सकते हो, 27 भी, 24 भी, 25 भी, जो भी आपके पास हो लगा सकते हो। और जैसे उसके लिए कोई 30 टर्न हो 24 वोल्ट के लिए, अगर आपने 18 वोल्ट की रिले यूज कर ली है तो उसके लिए 20 लगा दो, अगर 12 वोल्ट की छोटी रिले आपने यूज कर ली है तो उसके लिए आप 15 टर्न के करीब लगा दो। इस तरह से आप ये डाटा नोट कर लो, चाहे 26 नंबर हो, 25 हो, 24 हो, 27 हो, कोई भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ हमने यहाँ पर वोल्टेज लेनी है, हमें अम्पेयर का इसमें कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। जहाँ पर सिर्फ हमें वोल्टेज चाहिए, क्योंकि रिले ही ऑन करवानी है हमने, और कुछ भी नहीं। तो यह दो वाइंडिंग, एक 24 वोल्ट रिले के लिए, एक 18, अगर 18 वोल्टेज लेने हैं तो 20 टर्न, और अगर 12 लेने हैं तो 15। उसके बाद फिर वार्निश आपने जरूर लगा देनी है, क्योंकि जहां पर हमने ये लूप निकाले हैं जहां पर काफी वार्निश लगा दो। उसके बाद हम इसे सुखा देंगे तकरीबन एक दिन, और सुखाने के बाद इसमें हम कोर लगाएंगे। कोर दोस्तों कई तरह की आती है, जैसे कि टाटा कोर C3, पहले JD आती थी, C3, C6, यूक्रेन 92, इस तरह के कई तरह की कोर आती है। अभी यह कोर जो है यह ज़्यादा बढ़िया नहीं है, क्योंकि मैंने ये ट्रांसफार्मर है रीवेडिंग किया है, पहले यही मेरे पास कोर आया था, क्योंकि मैं तो जो भी नया बनाता हूँ उसमें यूक्रेन या C6 इससे कम नहीं लगाता, क्योंकि जितनी कोर की क्वालिटी बढ़िया होगी उतना ही आपका जो ट्रांसफार्मर है बहुत बढ़िया काम करेगा। कि क्या होगा कि उससे एक तो अम्पेयर कम लेता है, वो जो AC इनपुट अम्पेयर है वो कम लेगा, बिजली कम खपत होगी। दूसरा है कि बिजली अगर कम खपत हुई तो उसका जो गर्म होता है, हीट होता है ट्रांसफार्मर, वो भी कम होगा। यह कोर जो मैं लगा रहा हूँ इतनी बढ़िया क्वालिटी की नहीं है, C3 है। मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा कि अलग अलग कोर सभी तरह की इकट्ठी करके कि इसकी पहचान कैसे होती है। बिल्कुल इसकी पहचान सिंपल तरीके से होती है, कोई इसके लिए कोई गेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आवाज़ से पता चल जाएगा आपको नीचे गिर के कि आपकी जो कोर है कितनी बढ़िया क्वालिटी की है। तो इसके लिए हमने ये कोर लगाकर ऊपर से ये चार पांच पत्ती जो एक साथ डालते हैं इसे टाइट करने के लिए वो लगा दी है। उसके बाद आई आई कोर लगानी है। और दोस्तों जो इसकी आगे की कनेक्शन की वीडियो होगी, क्योंकि यह DJ वाला स्टेबलाइजर है जो DJ म्यूजिक सिस्टम के लिए यूज करते हैं, उसके लिए स्पेशल बनाया गया है, तो उसमें जो कितने सॉकेट लगेंगे, रोटरी है, ऑटो कट है, जो भी इसकी पूरी डायग्राम के साथ आपको वो मैं दिखाऊंगा, वो अगली वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में तो इतना ही आना था, वो भी मैंने स्पीड ज़्यादा तेज कर करके जल्दी जल्दी वीडियो बनाई है। तो बाकी उस वीडियो में हम बात करेंगे जिसमें के डायग्राम होगा, कनेक्शन होंगे उसके, और ऑटो कट, उसमें डिजिटल वोल्ट मीटर एम्पीयर मीटर लगाएंगे। तो ये पत्तियां हैं जो क्लंप इसके साथ आते हैं, ये बहुत नाजुक से ये नहीं, ये आसानी से बेंड हो गया, तो इसके लिए मैंने पत्तियां खुद बनाई हैं थोड़ी मोटे लोहे की, ताकि क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट में ही रहता है, जाने आने में रहेगा,
तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ कोई ट्रांसपोर्ट में रहेगी तो वो ज़्यादा टूटती है, तो इसके लिए थोड़े से इसके जो पैर है वो मजबूत चाहिए, तो इसके लिए यह पत्तियाँ खुद बनाई हैं। तो उसके बाद इसके जो कावले और नट बोल्ट वगैरह हैं वो लगा दे, और लगाने के बाद यह हमारा जो ट्रांसफार्मर है यह कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आगे की वीडियो थोड़े दिनों में, 2-4 दिन में मैं देता हूँ, तो तब तक के लिए थोड़ा वेट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू दोस्तों।